हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू अयान ड्रीम्स व्लॉग्स। और आज के दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं 9 बजे, क्योंकि आज करना है मम्मी पापा के श्राद्ध का तैयारी जल्दी जल्दी, तो बस उसी में लगने वाली हूँ। और आज जो भी होगा डेली का, वो मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँगी, आप देखते रहिएगा। और अभी चलिए, अभी जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं, खाना वाना बनाते हैं और भोग लगाते हैं, सब करते हैं। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ खीर। खीर बनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे मैंने 2 थैली दूध लिया है अमूल ताज़ा, और 1 कटोरी मैंने लिया है राइस, उतना ही मैंने राइस लिया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2 थैली दूध में 1 कटोरी मतलब बहुत हो जाता है, उतना ही मैंने लिया है। और थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बनाना है मेरे को, ऐसा नहीं करना है कि दूध अलग और चावल अलग, वैसा नहीं बनाना है, तो इसलिए थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी टाइप में बनाना है। और ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ, मेरा दूध उबल रहा है तो उसमें मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। मैं इसको उबलते हुए ही डाल देती हूँ, खीर बनाती हूँ तब उबलते हुए, ताकि वो अच्छे से उसका इलायची का जो है खुशबू है वो अच्छे से आए, और अच्छे से टेस्ट भी, खाने में भी टेस्ट आए। और मेरा चीनी ख़त्म हो गया था, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा डब्बा भरना है, तो अभी वही भर रही थी यहाँ पर भी। और इनके लिए मैं कट कर रही हूँ ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट ओनली मैं सीरे में मिक्स करने वाली हूँ, खीर में मिक्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अंकुश को खीर में ड्राई फ्रूट पसंद नहीं आते इसके लिए। और मैं क्या सब काम एक साथ में लेके बैठी हुई हूँ, तो इसलिए एक हाथ उधर जा रहा है, एक हाथ उधर जा रहा है, कि मेरे को जल्दी जल्दी फटाफट बनाना है खाना, क्योंकि अयान उस टाइम सोया हुआ था और बस ऐसा हो गया था कि जल्दी जल्दी बना दूँ। अभी हमारी खीर धीमी आंच पे बनती रहेगी, इतना मैं सीरा बना देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में मेरे को पूरी बनानी है और सब्जी भी बनानी है, तो जल्दी फटाफट अभी सीरा बनाती हूँ जल्दी से। और ये ड्राई फ्रूट मैंने कट करके रख दिए हैं, ये ओनली सीरे में ही डलेगा, क्योंकि खीर में नहीं डाल रही मैं। ये साइड मैंने रख दिया है दूध गरम करने के लिए, जो सीरे के अंदर डालना है। और यहाँ पे अभी मैंने कढ़ाई गरम कर दी है, अभी घी डाल के सीरा बनाना चालू करते हैं। और यहाँ ये साइड बन रहा है खीर। सीरा मैं थोड़ा ही बनाऊंगी, क्योंकि घर में कोई ज़्यादा खाता नहीं है, इसलिए मम्मी पापा को जो भोग लगाना है उतना ही सीरा बनाने वाले। तेल छोड़ने लगेगा तब तक इसको भूनना है अच्छे से। दूध मेरा यहाँ पे गर्म हो चुका है, तो थोड़ी देर ठंडा होएगा, इतना ये पक जाएगा मेरा। गैस पे दोनों हाथों से लगी हुई थी, एक साइड में मैंने खीर बनाने के लिए रखी थी और एक साइड में सीरा बनाने के लिए रखा था, तो दोनों दोनों चीज़ों को एक साथ में बना रही थी एक साथ में, ताकि जल्दी जल्दी बन जाए और जल्दी जल्दी भोग लग जाए सुबह सुबह में मम्मी पापा के लिए। तो वही फिर फटाफट वही सब कर रही थी। ये मैं लास्ट एंडिंग में ना इलायची डालती हूँ, कि ताकि उसकी खुशबू बनी रहे, वो बहुत पसंद आती है। हलवा बन के मेरा रेडी है, और मेरे को ये कढ़ाई की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने इसको खाली कर दिया और डब्बे में पूरे सीरे को पूरे को ट्रांसफ़र उसके अंदर कर दिया था। मुझे कढ़ाई चाहिए पूरी बनाने के लिए, तो इसलिए मैं ये खाली कर रही हूँ इसको। यहाँ पे मैं कर रही हूँ आलू की सब्ज़ी बनाना है मुझे, घोल वाली, पानी के घोल वाली सब्ज़ी बनानी है, तो उनको उबालने के लिए रख रही थी, इसलिए इस आलू के मैं आलू क्या बड़े बड़े पीस थे, तो उनको कट करके
छोटे छोटे कट करके उनको रख रही हूँ, और इनको अभी उबालने के लिए गैस पे मैं रख दूँगी। 4-5 सीटी आ जाएंगी, अच्छे से गल जाएगा, उसके बाद फिर मैं इनको बाहर निकाल लूँगी, आलू को ठंडा कर लूँगी। अभी मैं कर रही हूँ छौंक की तैयारी। मैं इसमें ऑनियन नहीं डाल रही हूँ क्योंकि श्राद्ध है, इसलिए मैं ऑनियन नहीं डाला, ओनली टमाटर, कड़ी पत्ता और जीरे का ही छौंक लगाया है इसके अंदर मैंने। और ये मैं कर रही हूँ, इसमें क्या नमक, हल्दी, धनिया पाउडर सब एक ग्लास में, आधा ग्लास पानी लेके उसके अंदर सब मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मुझे घोड़िए की सब्ज़ी बनानी है, तो ये सब एक साथ में मैंने मिक्स करके रखा है। तो इसके अंदर ये मसाले, जो टमाटर मेरा प्यूरी पूरा रेडी हो गया, उसके अंदर फिर ये देखो पूरा अच्छे से हो गया। अभी इसके अंदर मैं पूरा ये पानी डाल दूँगी। और आलू को मैंने क्या किया है, आलू को थोड़ा सा मेस कर दिया है मैंने, हाथ से ही मेस किया है इसको, मतलब ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं, मैंने नॉर्मल किया है ताकि उसकी ग्रेवी अच्छी बने, थिकनेस जैसी रहे, अच्छी रहे ऐसा ग्रेवी, खाने में मज़ा आए, तो वैसे ही मैंने इसको बनाया है। आप जितना चाहो, आपको जितना पतला आपको ग्रेवी चाहिए आप उतना पतला आप कर सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा गाढ़ा ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला। और मैंने आलू भी उतने ही लिए थे, तो उसी के हिसाब से मैंने ये सब्ज़ी इसकी बनाई, और सीरियसली बहुत अच्छी बनी थी, बहुत लाजवाब बनी थी, और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। आई होप आप लोगों को घर में ट्राई ज़रूर करना। खाना हमारा बन गया है, बस अभी मम्मी पापा को चढ़ाना बाकी है, तो वो अभी चढ़ा देती हूँ, पूजा वूजा करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अंकुश जी यहाँ पे इमोशनल हो गए थे थोड़ा सा, एकदम चुप हो गए थे, शांत हो गए थे, कुछ बोलना नहीं था।